अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम शुक्र है। यस, तो मैं अपने घर आई हुई हूँ। ये मेरा ब्यूटीफुल सा कमरा, अभी इसकी सेटिंग जो है ना इस साइड से हो चुकी हुई है। ये तो खैर मैंने सुबह की है। देखिए मेरी बिल्ली सो रही है, मानो अच्छा मानो सो रही है। मानो ने कल मुझे पंजा मारा था, वही गुस्से में थी बहुत ज़्यादा, इसको गुस्सा आया हुआ था। मैं दिखाती हूँ अगर तो नज़र आ जाता है तो, ये मेरे पाँव पे इसने पंजा मारा था कल। खैर इट्स ओके, जब प्यार हो तो फिर पंजे भी बंदा खा ही लेता है, खा ही लेता है। ठीक है, ये कपड़े मेरे मैंने पैक करके रखे हुए हैं, जो शादी में मैं पहन के गई थी पिछले दिनों शादी। ये मेरी मामा ने जूते अभी रखे हुए हैं, ये इनको बॉक्सेस में मैंने रखना है। ठीक है, ये सेटअप सारा अभी सेट करना है, उसके बाद ये मेरे जाने की तैयारी हो रही है जी। 2 दिन के लिए मैं आती हूँ और ये सारा सामान बिखरा हुआ है। ये मेकअप और ये चीज़ें हैं, ये मैं अपनी अलमारी में दूसरी में सेट करूँगी। ये सारी चीज़ें इधर ही पड़ी हुई हैं अभी तक। और ये मेरे जाने के लिए कपड़े, लॉन के कपड़े जो मैंने लेके जाने हैं साथ, वो बैग पैक करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं अभी। ये भी है, ये तो खैर अंदर रखेंगे, ये अभी धोनी है, ये धोने वाली पड़ी हुई है। तो बाकी ये भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो ये वाला मेरा नाइट सूट है, ये शर्ट है और ये ट्राउज़र है, ये भी लेके जाना है लेकिन धोना है अभी, ये अंदर से निकाला है। ये कुछ जर्सियाँ वगैरह ये वापस रखनी है, ये सर्दियों वाले कपड़े जो है ना ये अंदर पैक करनी है। ठीक है, उसके बाद अभी अभी थोड़ी 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 सेटिंग होनी है। अच्छा, इस रूम में जी मैंने अपनी चीज़ें रखनी है, इसका भी बहुत ही हुलिया ख़राब है, इसकी भी अभी सेटिंग सारी करनी है जी, क्योंकि ये अम्मी ने कपड़े वगैरह निकाले हुए थे, ये अम्मी पहन के गई थी अपना सूट, तो वो चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई हैं। इनको भी प्रॉपर जो है ना वापस बैग्स के अंदर, ये बैग के अंदर ये कपड़े आने हैं, ये बैग जो है ना ये इसके अंदर कपड़े डाल के इस वाले के अंदर वहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देना। बाकी जिस अलमारी में मैंने अपनी चीज़ें सेट करनी है वो ये है। ठीक है, ये मेरे 2 बॉक्सेस है जहाँ पर मैंने चीज़ें सेट करनी है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि छोटी 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 चीज़ें कैसे बंदा संभाल के रखे। साथ में कुछ चीज़ें शेयर भी करूँगी कि कहाँ से लीं, कैसे लीं, रीज़नेबल है नहीं है, मैं मेकअप में कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ, कौन सी नहीं यूज़ करती, कुछ ये भी साथ ऐड ऑन कर लूँगी। तो बर्तन शुक्र है सेट है। ये किसी का हमारे घर पे पड़ा हुआ है और इसको भी फुल हमने लाद दिया है। इस पे हमने पूरा सामान रख दिया है, इस पे भी मेरी बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऐसे ही यहाँ से भी उठाती हूँ। ये देखें, जैसे मेरी हैंड एंड फुट क्रीम यहाँ पे पड़ी हुई है, उसके बाद और भी कुछ चीज़ें पड़ी ही होंगी। ये इयररिंग्स पड़े हुए हैं, ये इयररिंग्स पड़े हैं, ऐसे काफ़ी चीज़ें होंगी। अभी ढूंढती हूँ, सारी एक जगह पे रखती हूँ। असल में ना मैं जब आती हूँ, मुझे जो चीज़ें चाहिए होती हैं मैं लेके जाती हूँ, तो वो भी मैं रशी सा करके ही चली जाती हूँ। तो चीज़ें कुछ अम्मी कहीं पे रख देती हैं, कुछ कहीं पे रख देती हैं, तो मुझे एक टाइम पे फिर एक जगह पर मिलती नहीं है। अब मैंने इस बार सोचा कि आज मेरे पास पूरा दिन है, फ्री हूँ मैं बिल्कुल, तो मैं अपनी सारी चीज़ें सेट करूँ एक जगह से ताकि मुझे मिल जाए। ये मेरे बैग्स की कलेक्शन जो है ना यहाँ पर लटकी हुई है, ये एक बैग है, पीछे वो येलो वाला है, पीछे वो वाला है, और भी बहुत से हैं लेकिन वो मुझे नहीं पता कहाँ है। कल मुझे अपने लहंगे के साथ का पाउच नहीं मिल रहा था यार, मैं क्या करूँ। फिर हम लोग लेट हो रहे थे तो अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि तुमने पाउच पकड़ना है, ऐसे ही घूमो फिरो। वैसे भी मेरी आदत है मैं पाउच लेके भी चली जाऊँ ना, तो मैंने क्या करना होता है, जाके वहाँ पर अम्मी को पकड़ा देना होता है, क्योंकि मैंने घूमना फिरना होता है तो मेरे से बैठा तो जाता नहीं है एक जगह पे सबके साथ घूमना फिरना। तो वो पाउच हाथ में पकड़ पकड़ के मैं थक जाती हूँ, मैं तो पकड़ा देती हूँ और खुद इधर घूम उधर घूम। तो ना इंसाफी है, मैं काम करूँ और ये शोए इस गूगली को उठाना है। मैंने गूगलो बिल्लो उठ जाओ, इस पिता मुझे प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, मानो म्याऊं कितनी तुम प्यारी हो। मुंह धोइया कर लिए, मुंह धोइया कर लिए, गुगलू ने मुंह धोइया कर लिए, ये देखना ये देखना, इसको फिर गुस्सा आएगा। नींद 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 से जगा दिया ना इसको, जगा दिए मैंने, जगा दिए। अच्छा ठीक है, सो जाओ। ओके सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ मानो सो जाओ। ये जी सारा दिन गुजर गया है कामों में, इधर छोटे से काम उधर छोटे से काम, ये मेरी मेरी चीज़ें अभी भी रहती हैं, ये पैकिंग वाली। अभी मैं खैर पैकिंग करने लगी हूँ, मुझे ना ये मैंने अपने
साफ करके ना धो के डाले थे। तो अब मुझे ये शूलेसेस कैसे इसकी करनी है वो नहीं आती। मम्मी को मैं कह रही हूँ मम्मी आपको आती है तो मुझे बता दें, तो ये नहीं करनी आती मुझे कैसे, मतलब इनके सीक्वेंस रखना होता है। बाकी बाहर जो है ना वो रात का मंज़र इतना मज़े का आ रहा है, मैं आपको विंडो से दिखाती हूँ, इतना मज़े मज़े का। मौसम जो है ना वो काफ़ी अच्छा, ठंडी हवा चल रही है। अभी मैं छत से ये लेके आई हूँ शूज़ वगैरह, तो अभी इनको सेट करती हूँ, उसके बाद फिर अपना ये बैग लेके आ गई हूँ, रख दिया है, ये पैकिंग करती हूँ। ठीक है या नहीं? मैंने दोनों के डिफरेंट डिफरेंट बनाए हैं, एक का ये ऊपर से बल लेके आई हूँ ये वाला, ठीक है, और दूसरे वाले का इस तरह से किया है। अब पता नहीं कौन सा ठीक है या कौन सा नहीं। अब मैं पिछली बार भी जब मेरी दोस्त ने मुझे ऐसे करके दिया था, तो अब भी जाके उसी से करवाऊंगी, उसको आता है ये। पैकिंग कंप्लीट हो गई है, हाय, यहाँ पे जी पैकिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ से रश जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। वो वाला उठा के अब कहीं और रखती हूँ, क्योंकि इसमें से जो थोड़े बहुत कपड़े निकले हैं वो उसमें डाले हैं। ये वाली चीज़ें अभी यहीं पे पड़ी हुई हैं, इनका कुछ करना है, मैंने क्या करूँ इनका, मुझे तो समझ नहीं आ रही, थक गई हूँ मैं। अब दूसरे कमरे में सेट करते हैं जाके जी, और क्या करना है क्या करना है। ये तो खैर कल मेरे साथ ही जाएगा, इसका भी सोच रही हूँ कि साथ ही ले जाऊँ, वहाँ तो फिर भी यूज़ हो जाएगा ड्रेसेस के साथ, इसको भी इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, बाकी चलें दूसरे कमरे में जाके जी अपनी करते हैं लाइट्स ऑफ, और लेट्स गो टू अनदर रूम। हेलो गाइस, इधर की भी सेटिंग करके ही जी सोएंगे। अपनी अलमारी खोलते हैं, अलमारी खोल दी है। अच्छा, चीज़ों पे फोकस किया है। यहाँ पे मेरे सारे कपड़े, मज़े 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 के प्यारे प्यारे कपड़े मेरे हैंगे। खैर पहनने तो है नहीं, दिल ही नहीं करता अब पहनने को, इसको अब सेट करूँ। अच्छा करती हूँ, ये आम सी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कभी मेरा दिल करे तो मैं पहन लेती होती हूँ। इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मेरी पता नहीं कहाँ अम्मी ने रख दी हैं, वो तो मुझे मिली नहीं ना रही, अल्लाह ही बेहतर जानता है उनको कहाँ पे रखा है। इसको यहाँ पे सेट किया, ये ज़मीन पे लेके मैं अपना जो है ना बैठ गई हूँ, किसे क्या कहते हैं, अपना दाज लेके, अपना जहेज लेके, अपना मेकअप का अंबार लेके। इसमें अभी मेकअप कुछ भी नहीं पड़ा होगा, ये तो बस ऐसे ही बिखरी हुई चीज़ें हैं, मुझे नहीं समझ आ रही मैं कहाँ से इनको इकट्ठा करूँ, कैसे इनको सेटल करूँ, मुझे कोई मशवरा ही दे दे कि इनको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखूँ। ये मामू की शादी पे मैंने सेट लिया था, और ये वाला मेरा पहले का ही मांग टिका है, और ये आंटी ने ना मुझे अपने इयररिंग्स दे दिए थे, तो ये इसके साथ जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो ये सेट बन जाएगा एक, और साथ में ये एक ब्राउच पड़ा हुआ है। उसके बाद ये एक सेट था, तो ये मैंने बड़ी देर पहले मरीज से लिया था, तो ये मेरी नाक तो मेरा नहीं सिला हुआ, लेकिन मुझे ये शौक था, मैंने ले के जो है ना ये रखा हुआ है कब से। उसके बाद ये छोटी बिंदिया भी है, बिंदिया नहीं इसको क्या कहेंगे, नाक में यही है तो नथली है, नथली कहते हैं या नोज रिंग कहते हैं। तो ये दो बॉक्स, खैर ये बॉक्स है ना, अभी इसमें और चीज़ें मैंने रखनी है। मेरी ज्वेलरी फजूल में फजूल जगहों पे पड़ी हुई है जो ज़ाया हो रही है, जैसे ये मेरा एक है इसको भी इसी में रखती हूँ, कुछ जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो एक जगह पे करूँ, और जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं फजूल सी उनको अलग करूँ। ये एक पिन है मेरी, ईलान लिखा हुआ है इतना प्यारा सा, इस पर पहनूँ इसको लगाऊँ बेशक मैं ना, पर है तो सही ना, रखनी तो है ना, फेंकनी तो नहीं है ना। सही बात है ना, फेंकनी तो नहीं ना जाती। ये बॉक्स मेरा कंप्लीट हो गया, इसमें ये लॉकेट है, और उसके साथ का जो है ना ये मेरा ब्रेसलेट भी है, तो ये इसके अंदर पैक करके रखूँगी ताकि ये ब्लैक ना हो।
तो हमेशा ये वाले जो होते हैं ना इस तरह के पेपर्स, इनके अंदर अपनी ज्वेलरी को पैक करके रखना चाहिए ताकि ज्वेलरी का कलर चेंज ना हो वो ना। तो ये इसमें रख दूँगी ये बॉक्स, इसी तरह मैं बंद करने लगी हूँ, इसमें ये वाला सेट ही आएगा। बाकी एयरिंग्स वगैरह अलग करती हूँ, रिंग्स वगैरह सारी एक बॉक्स में करती हूँ, ये भी छोटी छोटी मेरी कितनी प्यारी सी हैं। तो रिंग्स एक साइड पे, ब्रेसलेट एक साइड पे, ये टॉप्स हैं जो डेली बेस पे मैं यूज़ करती हूँ, पिन्स हैं, ये सारी चीज़ें भी सेट करती हूँ। बड़े बड़े इयर रिंग्स और ये चीज़ें जो है ना मैंने जो ज़्यादा शादियों पे यूज़ होती हैं वो इस बॉक्स में की हैं एक, उसको रखते हैं हम यहाँ पे ऊपर। नेक्स्ट इस वाले बॉक्स में इस वाले बॉक्स में अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है। खैर इसमें ये माला सेट है, ये टॉप्स वगैरह और इयररिंग्स वगैरह जो शादियों पे खैर यूज़ होते हैं या कभी कैजुअली मुझे यूज़ करने पड़े, तो इसमें ये रखती हैं। यहाँ पे ये वाला बॉक्स सेट करती हूँ, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं ये दिखाती हूँ भाई। अच्छा इसमें ब्रेसलेट्स हैं, ठीक है, ब्रेसलेट्स को आगे क्या करते हैं, इसमें रिंग्स हैं सारी डिफरेंट डिफरेंट, ये रखे। अब ये जो इयररिंग्स हैं ना ये फिर ऊपर वाले बॉक्स में रखने पड़ेंगे, नीचे रह गए हैं। इसमें मेरे क्या होगा, इसमें देखते हैं, भूल गई मैं। अच्छा इसमें ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इयररिंग ये यहाँ पे रखी है। ये कुछ आई शेड पैलेट्स हैं, ये भी आप यामना ने दिए थे मुझे, सिक्स थेस्ट के अंदर दो मैं यूज़ कर रही हूँ और चार मैंने ऐसे रखती हूँ मैं। इसके बाद एक और चीज़ दी है, वो कहाँ है, ये हाइलाइटर्स हैं, 14 कलर हाइलाइटर, ये भी ऐसे ही मेरे पैक पड़े हुए हैं, ये पैक भी रखूँगी मैं। ये परफ्यूम है, ये परफ्यूम को परफ्यूम वाले सेक्शन में रखूँगी। अच्छा ये मेरी पोनियाँ, इनको भी मैं एक में मैंने डिब्बी में डाला है, तो ये भी सेट करते हैं। मेरा मेरा ना ये ब्यूटी, इसको ब्यूटी पाउच कह सकते हैं, मेकअप पाउच, सॉरी ब्यूटी पाउच कह रही हूँ, मेकअप पाउच। तो इसमें जो है ना मेरा दिल है कि ये चीज़ें ये वाली ना इसमें ही रख देती हूँ। ये सारे पैलेट्स जो है ना इसमें आ गए हैं, इसको भी ऊपर शिफ्ट करते हैं, बस ये हो गया शिफ्ट, ऊपर वाला पोर्शन तकरीबन कंप्लीट है, बस इसके अंदर अब थोड़ी सी चीज़ें और रखनी है। ये नीचे वाला पोर्शन तकरीबन सेट ही था, इसकी बस थोड़ी सी आगे पीछे चीज़ें करनी थी कर दी हैं, बाकी मसला ज़्यादा ऊपर वाले का था, ऊपर वाला सेट किया है। इसमें मेरी ज़्यादातर परफ्यूम्स और ये चीज़ें ही पड़ी हुई हैं, तेल, परफ्यूम्स, कंडीशनर और मेकअप बेसिस, और पीछे वो फेशियल का थोड़ा सा सामान, और एक चीज़ तो मिस है यहाँ से, मेरा फेशियल की किट कहाँ गई है। आई थिंक सो शायद हमें ने यूज़ की हो निकाल के, चल ये लॉक हो, जान छूटी मेरी, मैं तो थक गई हूँ सीरियसली।